बात का बुरा नामी सेवन आई एम इंटरेस्टेड ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया क्यों द डिफरेंस इज पार्ट वेज हुए

तो मुझसे नहीं 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 हुए? मैं मुझे तो इतना मजा आ रहा है। वो <laughs> <way>. <laughs> नहीं मानेंगी। एनीथिंग एनीथिंग पता नहीं मैंने शाहरुख खान के साथ क्या क्या किया होगा ख्याल में वो तो तुम रहने ही दो क्या अच्छा बकवास है? बहुत हाँ अच्छा मुझे कुछ पता नहीं है। असलम हेलो एंड वेलकम एवरी वन दिस इज हसीब मलिक फ्रॉम मेट पाकिस्तान आज के पॉडकास्ट में, में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत डाडी हैं और इंस्टाग्राम में उनका देख रहा था और हमने लिखा था कि मैं तो बड़ी डाडी हाँ इफत उमर मेरे साथ आज मौजूद हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर बींग ऑन मेट पाकिस्तान सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू तो आप बहुत सोशल मीडिया पर वोकल हैं बहुत एक्टिव हैं डाडी होने के पीछे क्या आपका यू you नो know, उसके पीछे की स्टोरी क्या है टाडी ये है कि मुझे जो ठीक लगा खुल के बोला है मैंने तो जो लोग सुनना चाहते हैं मैं सिर्फ वो ही नहीं कहती जो मुझे ठीक लगता है मैं वो कहती हूँ लोग क्या सुनना चाहते हैं स्टीरियो टिपिकल बातें वही पुरानी बातें किसी पे ठीक वॉर्न आउट और जब आप वैसी बात नहीं करती तो फिर लोगों का रिएक्शन कैसा होता है बहुत बुरा बट बहुत लोग हैं जो मुझसे रेजोनेट भी करते हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं सो आई हैव माय ऑडियंस और यू uh, नो you know, कोई भी एक्शन होता है उसके रिएक्शन मुख्तलिफ होते हैं तो जो लोग आपसे इख्तलाफ रखते हैं जो कि खूबसूरती भी है और उसमें भी uh, इख्लाफ राय में भी खूबसूरती होने के साथ साथ एक यू नो का दायरे के अंदर रहते हुए आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना चाहिए तो ऐसे लोग किस तरह फिर बिहेव करते हैं या डीम्स में आके किस किस्म का रवैया रखते हैं बेटा आपको पता तो है अब इस पर कितनी बहस करनी है सारों को पता है क्या हो रहा है आप बताएँ कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है आज लाइफ में रिटायर्ड लाइफ इंजॉय कर रही और मुझे नहीं पता कि रिटायर्ड बंदे की लाइफ कैसी होती है तो किस मेरे जैसी होती यानी खूबसूरत लाइफ होती है वेल <laughs> well, आपका अगर ये ये खूबसूरती का स्टैंडर्ड है तो फिर यही होगी बहुत अच्छा अच्छा मैं, मैं बचपन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया बेसिकली uh, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत आपने तगड़ा और बड़ा तीखा सवाल किया लेकिन मैं ओपनली इसका जवाब दूंगा जी मैं सत्ताईस साल का हूँ और सबसे पहले मेरे लिए, और है। done, के में के लिए बन इसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मुख्य उपीनियन, रखने वाले लोग हैं तो आए और दूसरा कि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है आप सुपर मॉडल रह चुकी हैं आप अभी भी हैं क्योंकि बचपन से जैसे हम आपको देखते हैं यकीन करिएगा सेम टू तो सेम एज इट इज आप वैसी हैं आपकी खूबसूरती में बिल्कुल भी कमी नहीं आई इसका राज मैं आपसे आप कि उतनी उम्र नहीं है जितनी मैंने इस करियर में टाइम किया इट्स ऑलमोस्ट थर्टी फाइव ईयर्स तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने जो इतना चेंज नहीं आया मतलब तो सेम टू तो सेम एज इट इज वैसी तो उसकी खूबसूरती का राज क्या है उसका ये है कि आए फील यंग आए

दुनिया ने सेट किया और बस ठीक है फिर हम कुछ ना कुछ करके कोशिश कर रहे हैं अच्छा आ, मेरे जो सवाल है ना, वो मुख्तलि बड़े डाइवर्स किस्म के होने जाएंगे इसमें हम सियासत पर भी बात करेंगे इस पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं सोशल मीडिया पर उसके पीछे क्या वजह है किस चीज़ ने आपको इंस्पायर कर रहे या किस चीज़ ने आपको मजबूर किया इस पर उसके बारे में भी जानेंगे आ, लेकिन थोड़ी सी करियर पे बात कर लेते हैं कि आजकल आप हमें टीवी स्क्रीन पर ऑल दो इंटरव्यूज करते हुए नजर आती हैं लेकिन आप हमें टीवी ड्रामा या फिल्म में नजर नहीं आती उसकी क्या वजह है? आ, मुझे अच्छा काम नहीं मिला मैंने नहीं वो जगह बनाई जहाँ पे अच्छा स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हो विच आई हैव एक्सेप्टेड एंड इफ समथिंग देखो ये वो काम है जब तक आप इसको इंजॉय करके ना करो ना तो आपसे होता नहीं है तो मैं एन्जॉय नहीं कर रही थी जो मुझे काम मिल रहा था मैं एंजॉय नहीं कर रही और किस किस्म के आपको रोल्स मिलते हैं या मिल रहे थे देखो मुझे पूरी जिंदगी में अच्छा बुरा स्क्रिप्ट समझ नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट आ, कभी पैमाना होता है कि आपको टाइटल रोल मिल रहा है तो आप इस पर खुश हो जाते हो कभी पैमाना मिल रहा है कि आपके कितने सीन्स हैं कभी पैमाना मिल रहा है कि ओ इसमें मुझे अच्छा लगने का बहुत मौका मिलेगा मैं ये कपड़े पहनूंगी मैं वो करूंगी वक्त के साथ साथ ये पैमाने आपके लिए बे हो जाते हैं और आप सोचते हो कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं उस पर बिलीव करता हूँ मेरे लिए अच्छा स्क्रिप्ट हमेशा वो रहा है जो कि बहुत कम मुझे लाइफ में मिला है मेरे लिए जो मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने पढ़ा और मुझे याद हो गया मेरे लिए वो अच्छा स्क्रिप्ट जिस मतलब ऐसे आपको करेक्टर पसंद है ऐसे करेक्टर जिससे आपको यू you नो know, रियलिटी के करीब और जो आप जिससे आप रिलेट कर पाए मुझे ये समझ आ रही है आपके कहने की आप इस किस्म के करेक्टर्स मैं मेरी जो, मेरा बचपन ही बड़ा डाइवर्स था मेरा बचपन आई इन अ फ्लैट uh, सिस्टम hmm. और छह फैमिलीज थी उसमें जिनमें से एक मेरी अम्मी थी सिंगल पेरेंट जिनकी डिवोर्स हो गई hmm. वो थल से थल के गांव से पढ़ने लाहौर आई थी शी मेट माई फादर दे गॉट मैरिड ट्वेंटी टू वैन शी हैड मी देन ही लेफ्ट सो उनको काम करना पड़ा तो मैं एक फेमनस माहौल में पैदा हुई hmm. uh, पली बड़ी हूँ और डाइवर्स माहौल ऊपर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी एक और घर में अफ़ग़ान फैमिली रहती थी जो कि रॉयल फैमिली के जब वहाँ से अफ़गानिस्तान से उन्होंने हिजरत की तो सर्वाइव करने के लिए वो पाकिस्तान वो फैमिली रहती थी नीचे एक शिया फैमिली रहती थी आई थिंक एक घर में हम पूरा पाकिस्तान बस डाइवर्स माइनॉरिटी डाइवर्स और मेरी अम्मी जब जॉब पे जाती थी तो मुझे बाकी बिल्डिंग की औरतों ने मुझे पाला उन्होंने मेरा जिम्मा लिया तो मैं बड़े फेमनस माहौल में पैदा हुई हूँ और मैंने जिंदगी में सम हाव में ऐसी थी कि मुझे अगेंस्ट आ, रूल्स मैं गई हूं मैंने हुँ। कभी तो बट्टा नहीं पहना बचपन से मुझे ये चीथड़ा मुझे समझ नहीं आती थी क्यों पहनते हैं मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं सारी जिंदगी में यूनिवर्सिटी जाती थी जमात इस्लामी का जमाना था मैं बस वैगन में जाती थी एक नंबर बस अड़तालीस नंबर बस सताइस नंबर वैगन मुझे आज तक याद है ये मेरी और जाते थे ओ जीन विध

टीचर्स मेरे दोस्त थे अच्छा आपने बताया कि आप बस में कई मरतबा पीछे वाली साइड पे पे मर्दों वाले जो जो पोर्शन है भी बैठ के इससे जो बात मुझे समझ आ रही है आ, ये भी है कि जब तक औरत किसी को सिग्नल ना दे तब तक मर्द की जरूरत भी नहीं होती कि वो किसी किस्म की कोई हैगी है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरत सिग्नल देती है तो मर्द को कुछ होता है और आदमी ने जिस चीज को सिग्नल समझना हो वो सिग्नल समझ लेता है लेकिन ये इस बात से आदमी को अब निकलना पड़ेगा कि तेरे लिए मुझे अपने आप को कवर करके निकलना पड़ेगा अपनी नजर को संभाल यू हैव अ प्रॉब्लम आई वांट टू लिव मेरा दिल करेगा मैं जो पहनूंगी मेरा

मैक्सिमम को 30 के आसपास है लेकिन आ, लोग खवातीन अपनी ये छुपाती हैं आप तो ओपनली बहुत वोकल हैं अपने तो बता देती हो बचपन से बचपन से नेवर हैड दिस इशू बड़े कॉम्प्लेक्सेस मेरे भी थे हुँ. जो मुझे इस मास्टरे ने डाले मेरे रंग की वजह से मेरी गलत अंग्रेजी की वजह से मेरी पंजाबी एक्सेंट में उर्दू की वजह से मैंने बड़े कॉम्प्लेक्सेस तो आप पंजाबी हैं पक्की पंजाबन ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸੁਨੇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਡਲਸ ਐ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ अर्ਲੀ ਆਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯਰ ਰੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਆ ਗਿਆ जिस तरह भी आया है मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से कि मैं एक उस ज़माने में आ, उन खातन में से थी जो कि इस पोजीशन पे थे जिन के लिए इस करियर में आना इतनी मुश्किल नहीं थी या उनके लिए मतलब हर कोई करना चाहता है आई एम नॉट प्रस्ट आई थिंक आई मेड my space myself on my own प्रिविलेज क्या होता है गरीब थी लंडे के कपड़े पहन के फैशन करती थी लंडे के कपड़े हाँ, मेरी तो रिटेल थेरेपी इतनी एक्साइटमेंट होती थी लंडे जाने की बचपन से तो आज भी लंडे के कपड़े पहनती हैं। यार आजकल फिर अगेन क्या अब जरा कैपिटलिज्म दौर में मैं कैपिटलिज्म की कामयाबी को अगर सम, जो समझते हैं कि अब मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हूं तो अब जरा मेरी चॉइस मुझे जाने लेकिन मैं कराची जाती हूँ तो मैं जरूर जाती हूँ क्योंकि क्यों मुझे वो आ, ट्रेजर हासिल करने का बड़ा शौक होता है मुझे एक्साइट करता है कि हर चीज में से अच्छी चीज निकालो और देखो क्या है और ये खुद जाके सारे कपड़े खरीदो हाँ, हाँ कभी पर्दा नहीं किया कभी कुछ नहीं किया और कराची में खुवान मैं अपने अगले सवाल पे बाद में आऊँगा खातन पर्दा करके भी जाती हैं मॉडल्स या एक्ट्रेसेस वगैरह लंडे के कपड़े मैंने भी पर्दा किया फॉर अदर रीजन फॉर अदर रीजन आफ्टर आई गॉट मैरिड

मैंने जिंदगी में हर काम उसकी पीक पे छोड़ा है मैंने मॉडलिंग 24 साल की उम्र में छोड़ी है मैंने एक्टिंग 50 साल की उम्र में छोड़ी और उसकी वजह क्या थी मॉडलिंग 24 साल प्राइम टाइम होता है हां मेरी शादी हो गई थी और जो आपके हस्बैंड थे उनको अच्छा नहीं लगता था तो शायद इस वजह से फिर डिफरेंसेस की वजह से यू नो यू जस्ट गाइस हैड टू पार्ट वेस इसके वन ऑफ द डिफरेंसेस पार्ट वेस हु पार्टेड वे नहीं मतलब जिस तरह के वो जो हो गया था ना डेवोर्स वाला जो <laughs> हो गया था। 23 कोई ये रिसर्च किया तुमने uh, मेरे actually, पे? एक्चुअली आई देयर इज अट मिस्टेक थोड़ी सी जरा हो गया। आ, लेकिन फिर भी मूविंग फॉरवर्ड मुझे अब ये बताएं कि पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा बात करते हैं। मुझे पता चला था कि आप इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा फैन थी यार मैं बोर हो गई हूँ इस बात से कर कर के ही इज एर फॉर मी ना उसकी नहीं तो बोर तो इंसान वाकई हो जाता है लेकिन उसकी वजह क्या थी कि एक वक्त पे आप उनकी बहुत ज्यादा फैन थी लेकिन लिबरल आवाज कहीं से भी आई ना किसी से भी आई मैं उसकी तरफ भागी इवन मौलाना को भी सपोर्ट कर दिया थोड़ी सी लिबरल बात ओह यस उन्होंने भी जब कहीं थोड़ी सी लिबरल बात की तो उनको भी सपोर्ट कर दिया इतनी लिबरल आवाज के लिए हम तरसे मैं तरसी हूँ सो इमरान खान से मुझे उम्मीदें ये थी कि यार हम पाकिस्तान में बड़े हुए हैं लाहौर की मैं जम पा बचपन से इमरान खान का लाइफ स्टाइल देखा हुआ था वो किस तरह ज़... तो मुझे तो लगता था ये एक लिबरल पाकिस्तान बनाएगा एक सेक्युलर पाकिस्तान बनाएगा वो आके मदीना की रियासत बनाना शुरू हो गया तो सॉरी मैं तो उनके आ, एंटी एंटीन रिमार्क्स अफगान रिमार्क्स और सिंगल और इन सब बातों ने मुझे उन उल्टी उन पे करने पे मजबूर कर दिया अच्छा लगता है कि अभी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं या कहा ये जा रहा है कि इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए देखा जी पॉपुलर तो जहरी स्प्रिंगर भी बहुत था तो क्या फिर उसके पीछे लग जाते पॉपुलर क्या होता है तो अगर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस अगर टू थर्ड मेजॉरिटी इनकी आ जाती है तो लगता है कि वो तो कहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा तो लगता है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में कि इन योर ओपिनियन के कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है देखे जी <laughs> सिर्फ इमरान खान को नहीं अल्लाह ने मुझे भी हुँ. सब कुछ दिया है ठीक है मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान किस समझ जा रहा है बिकॉज मैंने अपने आप को सेव कर लिया है ठीक है मैं अपनी लिबरेशन भी आज़ादी से इंजॉय करती हूँ मेरा जो दिल करता है पहनती हूँ जो कहती हूँ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता तो मैं इतनी गालियां जो खाती हूँ मुझे शौक नहीं है बस इतना सा एक है कि यार जहाँ पाकिस्तान जा रहा है ना यहाँ जाना नहीं चाहिए अफगानिस्तान मनाना है अच्छा चलो एग्जाम क्या तरीका होता है आप तरक्की पसंद मुल्कों को देख के ही कहते हो ना कि चलो एडवांस मुल्कों को जहाँ पे लोग खुश हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है अमेरिका है यूरोप है चलो आप इस्लामी वर्ल्ड की बात करो दुबई है सऊदी अरब है इंडोनेशिया है ठीक है ना आप कहते हैं नहीं हम अपना कल्चर भी भूल जाओ कि इंडस सिविलाइजेशन से हाकड़ा सिविलाइजेशन भूल जाओ भूल जाओ हमने 47 में पाकिस्तान बनाया इसके बाद हम अपना कल्चर बनाएंगे जो कि अरबी अजमी होगा ठीक है और हमने एंटाइटलमेंट भी दे दी उनको कि यू आर ग्रेटर तुम गोरे भी हो तुम चिट्टे भी हो और हमारी सिविलाइजेशन जो नाटो कालों की है ये आपसे इन्फीरियर है उर्दू जिसको आई वो पहले अंग्रेजी की प्रायोरिटी पोस्ट कॉलोनियलिज्म हम पे हम बेचारे नेटिव्स पे थोपी गई उसके बाद जनाब साहब उर्दू आ गई आइडेंटिटी क्राइसिस में कहीं डर की कोशिश हो रही है वैसी आइडेंटिटी क्राइसिस है अपने ऊपर मतलब फखर ही नहीं तो अभी क्या लग रहा है मुल्क किस तरफ जाते हुए देख रही हैं अभी आप देखो जी बेटा मेरी तो रह गए अब 10-12 साल क्या आप ये कैसे कह सकती हैं 10-12 साल हो मतलब अगर आप साइंटिफिकली करें तो उसके बाद बोनस लाइफ होती है मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बचपन से यही सुना है कि पाकिस्तान के जो अब हालात हो गए हैं होनते बेड़ा घर की हो गया है और वो बेड़ा गर्क मैंने मजीद 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 आज तक होते मैं देख रही हूँ तो मैं तो थोड़ी सी डेस्परेट यार मेरी लाइफ में कुछ तो चेंज आ जाए तो आ गया तो आ गया नहीं आया तो फिर जाओ मौलाना फजल रहमान का आपने जिक्र किया कि जब उन्होंने भी थोड़ी लिबरल होके बात है तो आपने उनको मेरा कहने का मकसद है कि हमें इवन उनको भी सपोर्ट करना पढ़ गया अपने उसके अगेंस्ट आके आई एम अगेंस्ट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मैं कहती हूँ रिलीजन uh, आपका बहुत मसला आप अपनी सोच में अपने uh, किस तरीके से किस तरह इबादत करते हो क्या करते हो ये आपका पर्सनल है वरना अगर आप मोरालिटी और उसके स्टैंडर्ड पे जाओ तो हर एक का अपना स्टैंडर्ड है किसी के लिए मेरा ये बगैर दुपट्टे के बैठनाल है ठीक है सो so, अब एक खुला खुल के कहते हुए भी डर लगता है यार नहीं आप कह सकती हाँ। कोई हाँ। इश्यू नहीं है यहाँ पे पॉडकास्ट का एक्चुअली बेसिकली मकसद ये होता है कि अनफ़िल्टर्ड होता है हमारा तो ख़ैर ही होता है, हाँ, आपका तो होता है लेकिन फीडबैक नहीं होता हाँ ये भी है वैसे नून ली को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है

पीछे की तबाही चली आ रही है यार हमें ये पता ही नहीं कि हमारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है मुझे डाल दिया इस उम्र में आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हर वक्त मैं मैं तो एक आम सिटीजन हूं ना यार मैं अपना टैक्स दे रही हूँ चौबीस साल की उम्र में से मैं वो पहली सेलिब्रिटी थी लाहौर की जिसने टैक्स बाकायदा देना शुरू किया था आप मेरे टैक्स ऑफिसर से जिनका नाम नबीला है आप उनसे यह बात पूछ सकते हैं कि मैं वो पहली सेलेब्रिटी खातून हूं जिसने बाकायदा टैक्स पे हमारा काम तो यह है ना जितना टैक्स हम पे लगा हमारी हिफाजत करो मुझे मेरे इंडिविजुअल राइट्स के साथ जीने दो या कानून बना दो कि इसके अगेंस्ट जाओगे तो आपने एक मिक्सचर जो इस काम को बना दिया है कभी मजहब के नाम पर कभी मोरलिटी के नाम पर कभी दुश्मनी के नाम पर मुझे आपने जिस जगह पे इस वक्त लाके खड़ा किया दुनिया में बहस हो रही है नेटिव लोगों पे पीपल ऑफ़ कलर पे फिलोसफर्स निकल रहे हैं बेहतरीन लिटरेचर निकल रहा है बेहतरीन साइंस का काम हो रहा है और आपने यहाँ पे मुझे सिर्फ इस पेस पे लगाया है कि हाय इकोनॉमी घोड़ के कौन क्यों भाई मैं तो पैसे दिए कहां गए हैं मेरे पैसे दो सौ गोल्फ के कोर्ट्स बने जा, में जा भी नहीं तो सकती। आप के प्रोसेस को मतलब अपनी जो हिफाजत के लिए दिया हुआ था उससे आप याशी कर रहे हैं आप गोल्फ खेल रहे हैं और गोल्फ में हमारा दुनिया में कोई नाम भी नहीं बना अच्छा आपने पूरी दुनिया घूमी भी है ठीक है तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं या जो बहुत सी अच्छी चीजें आपको लगे कि यार इस मुल्क में मैंने ये चीज देखी थी पाकिस्तान में ये चेंज होना चाहिए यार ओनली थिंग आई आस्क इज टॉलरेंस बस टॉलरेंस लग रहा है कि قوم बहुत इंटोलरेंट हो गई है बहुत इंटोलरेंट बहुत इंटोलरेंट हो सकता है किसी सतह पे मैं भी हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी एक है कि मैं भी तो खिलाफ बोलती हूं ना जो बात मुझे नहीं अच्छी लगती तो मेरे ख्याल से हम सभी इंटॉलरेंट हो गए और इंटॉलरेंट होने के पीछे वजुहत हैं या लोग हैं फ्रस्ट्रेशन है यार टाइम बहुत कम रह गया एक इंसान की जिंदगी साठ सत्तर साल होती है मतलब साठ सत्तर साल में कुछ बदला ही नहीं कुछ नहीं बदला कोई एक चेंज भी नहीं चेंज, अच्छा बदलता सिर्फ ये चेंज आ गया कि हमारा फिल्म और ड्रामा टेक्निकली थोड़ा सा आगे चला गया हमारे एक्टर्स को अच्छा पैसा मिलना शुरू हो गया है ये थोड़ी सी इंडस्ट्री इस हो गई है कि लोग इसको ले तब लोग थे? ये पूछा करते थे, हम तो चलो आते थी मर्दों से तो ये पूछा करते थे तो कर दे, अच्छा, एक्टिंग तो है, पर कर दे की हो इस हद तक बातें होती थी पूछ लो किसी से भी पूछ लो मतलब एक्टर बंदे को नकारा समझते थे

करने पड़ते हैं मसला बीट मेल और बीट फीमेल एंड इट कुड बी एनीथिंग क्या कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज जैसे कास्टिंग काउस टाइप इस किस्म की चीजें तो ऐसी होती है ना मैंने देखा ना मुझे करना पड़ा मैं तो अपने से ही बोलूंगी हम चाल है पूरी इंडस्ट्री में किसी से जाके पूछ लो थ्रू आउट मेरा करियर कैसा चला सबसे ज्यादा वॉक करने वाली ऑन प्रिंसिपल एक्ट्रेस मैं रही हूं चैनल के मालिक हो, चैनल का कोई हो मैंने उनसे टक्कर ली अगर मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात हुई है hmm. सेट्स ऐड करना हो वहाँ मुझे कोई ऐसी चीज़ लगे जो मुझे लगे फर्स्ट क्लास एक एक्टर बिजनेस क्लास एक एक्टर को आपको देना है ये रूल मैंने शुरू किया hmm. तो मैं तो जिस जिस मकाम पे लड़ सकती थी और लोगों ने मेरी बात मानी ठीक है मुझे काम काम मिला पर मैं ये नहीं कहती कि इस वजह से कम मिला होगा हो सकता है मैं इतनी अच्छी ना हो सो so, मुझे कोई ज़ोम नहीं है मुझे कोई कुछ नहीं मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे काम किया है मैंने नहीं देखा आज तक तो कौन किसके साथ क्या करने की वजह से आए लोगों की फेवरेट एक्टर्स की टीम होती है पूरी दुनिया में होती है अबाइड करते हुए काम किया और जब भी इंसान अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होता है तो किसी किस्म के आपको नुकसान उठाने पड़े आई डेंट केयर क्या नुकसान होता है पैसा नहीं मिलता मुझे थोड़े में रहने की आदत है तो फिर गुजारा कैसे होता है यार गुजारा अब अब तो मेरा मियां है माशाल्लाह चौबीस साल से मेरा मियां मेरा ख्याल रख रहा है मैं तो बैग जूते लेती थी अपने पैसों से याशी करती और मियाँ जी क्या करते हैं ही इज अ कंसल्टेंट पहले वो सीएसपी ऑफिसर थे उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज वो इस माहौल में काम नहीं कर पाए जहाँ पे रिश्वत लेनी पड़ती है सो वी सैट वन डे वी मेड अ डिसीजन एंड ही सेड आई कान डू इट उसने रिजाइन किया उसने अगेन और पढ़ा ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट उसने एम बी ए भी किया उसने मास्टर फाइनेंस भी लंदन से किया एंड नाउ इज अ सक्सेसफुल कंसल्टेंट तो उनको भी रिश्वत लेने पर मजबूर किया जा रहा था ये सिस्टम ही ऐसा था जो हाँ पे रहना मुश्किल था और रिश्वत से ही आप एक बेहतर लाइफ कर सकते थे। Let's talk about feminism. Uh, feminist word जब भी में आता है, तो अगर मैं मैं अपनी बात करूं, हालांकि अल्फाज को सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये क्या बला है या कौन सा जिन है ऐसा क्यों है आप डोंट नो आपसे क्यों बला लगा मुझे है? मतलब इसको इतना ज्यादा खौफनाक बना दिया गया है। मेरी ये सोच है कि सबको

कि मैं तेरी इज्जत इसलिए करूँगा क्योंकि तू चादर ले रही है तो मैं तेरी इज्जत करूंगा तो चादर नहीं ले रही ना तो इज्जत के काबिल नहीं है मतलब एक इंसान इंसान की हर हाल में इज्जत करे एज लॉन्ग एज वो आपकी पर्सनल स्पेस पे आके आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा नहीं। मेरा स्लीवलेस पहनने से अगर आपको कुछ हो रहा है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम ना और uh, मैं अगर मतलब दुनिया में औरत को uh, वोट का राइट नहीं मिला हमारी दो गवाहियां ज़रूरी हैं मतलब अब थोड़ा सा हमारे दिमाग हमारी फिज़िकल थोड़ी सी मर्द से कम ताकत को ये तो ना समझो आप कौन से लोग जाके शिकार करके खाना लेके आ रहे हैं यार अब तो दुकान से जाओ खरीद के खाना मिल जाता है ना तो अब ताकत से ज्यादा दिमाग का काम है तो दिमाग तो इक्वल है हमारा दिमाग हमें यूज करने दो हमें सोचने दो कि हमारे लिए क्या ठीक है मुझे ना बताओ कि तुम मेरी इज्जत इसलिए करोगे ना करो यार इज्जत बढ़ गई इज्जत अच्छा तो जो फेमिनिस्ट होते हैं ये मौलवियों के खिलाफ होती है खात मैं सिर्फ मौलवियों को के इसलिए खिलाफ नहीं हूं कि मैं फेमिनिस्ट हूं मेरे लिए जिस तरह का मेरी अपब्रिंगिंग हुई है मैंने इस्लामियात के क्लास में इस्लाम सीखा और मेरे घर में मुझे इस्लाम बताया गया मेरे इर्द गिर्द के लोगों के से मैंने इस्लाम सीखा मैंने यह सीखा झूठ बोलना बुरी बात होती है किसी का हक मारना बुरी बात होती है आ, मैंने रोज़े बहुत इन्जॉय किए मैं इतनी नमाजी कभी नहीं रही लेकिन जब भी पढ़ी अपनी मर्जी से पढ़ी अल्लाह से बातें की अल्लाह जो भी मुझे सुकून देता था मैंने गिले भी किए मैंने अल्लाह अलामिया से बहुत दुआएं भी की मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए Uh, मेरा अपना एक रिलेशनशिप था आई एम इफ आई एम आंसरेबल आई एम ओनली आंसरेबल टू हेम इससे ज्यादा मज़ाब मेरे अंदर मत डालो यार आई एम हैप्पी विद वॉट आई नो अल्लाह ताला के साथ आपका रिश्ता ताल्लुक कैसा है फ्रेंड क्या क्या मांगती हैं अल्लाह ताला से मोस्टली ज्यादातर अब हम्म hmm. बेटी की सलामती हर हैप्पीनेस मोस्टली

थोड़ा सा सोशलाइज भी करती हूँ एंजॉय भी करती हूँ फैशन का मुझे शौक है hmm. और फैमिली के साथ टाइम गुजारती हूँ पीपल आर हु टू मी आई स्पेंड माई टाइम विद देम मैं छोटे बच्चों की कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ मैं अपनी बेटी की फ्रेंड्स की कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ मैं बहुत कुछ सीखती हूँ मुझे पोिटिकली करेक्ट बातें भी नहीं पता थी कि किसी को काला कहना बुरा होता है किसी को ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या है ये सारी टर्म्स मुझे तो नहीं पता थी हम तो जाहिर लोग हैं यार इन बच्चों से बैठ के मुझे पता चलता रहता है दुनिया कहाँ से नु� कहाँ जा रही है सो आई एम लर्न आर आई लर्न एंड मी अच्छा एट स्टार्ट ऑफ आर पॉडकास्ट आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग आपके करियर के स्टार्ट लोगों ने आपका मजाक उड़ाया कि अंग्रेजी नहीं आती है नहीं

लेकिन मॉडलिंग को अवामी मैंने बनाया एक अवामी मॉडल घर घर मॉडल का लफ्ज जो क्या उससे पहले एक अलीटेस्ट क्राउड था हाँ। जो आता था उनके अपने अलीट मैगजीन होते थे वो उसमें आते थे जो कि इंसल्ट महसूस करते थे कि अखबार जहाँ में क्यों आ गए और जंग के सेंटर पेपर में क्यों आ गए मैं आ गई मुझे तो तस्वीरें खिंचवाने का शौक बड़ा था मैं तो तस्वीरें खिंचवाई वहाँ से पिक हुई किसी और ने बुला लिया वहाँ भी चली गई पहुंचते पहुंचते मैं कराची पहुंची अब कराची में बड़े बड़े फीफी फी, हारून और तारे का फ्रिया और अतिया हम उनको यूं यूं यु करके देखते थे यार ये बड़े मॉडर्न हैं ये बड़े लिबरल हैं ये मतलब तो एक तरह के ठेकेदार थे फैशन भिल्कुल, के भिल्कुल। आ, दे मी, दे, तो दे मी, लेकिन जज भी किया मुझे पेंडू है अंग्रेजी नहीं आती उसको नाम नहीं लेती लेकिन बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स एक शूट हो रहा था उन्होंने मुझे भी बुला लिया कोई बहुत सारी लड़कियों का शूट था बहुत हमारी मुल्क की बहुत बड़ी डिज़ाइनर्स है पूरी दुनिया में उनका नाम है बड़ी हिट है आजकल कल लॉन बड़ी बनाती हैं उन्होंने मुझे कपड़े ही नहीं दिए मैं उस शूट पे साइट पे बैठी रही मेरे सामने सब लड़कियां शूट कर रही हैं मुझे उन्होंने कोई कपड़े मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं उनके कपड़े पहनूं बिकॉज मैं पेंडू थी सिर्फ इस बना सिर्फ पेंडू उनकी नजर में पेंडू में अच्छा आपने बताया कि आपने जो एटेस्ट एक क्लब था फैशन इंडस्ट्री में तब की बात है उनको मसाइल कहीं ना कहीं आपसे थे तो अवमी मॉडल बनने के बाद कोई मुश्किल का सामना फर्टर्निटी के लोगों से नहीं आया कि यार ये बंदी तो मतलब वो हमारा जो होता है ना कि एक नॉर्म उन्होंने सेट किया है एक हाई बेंच मार्क सेट किया अंग्रेजी बोलना आना और यू नो एस्ट टाइप एक चीज बना के रखना उसमें एक अवामी बंदा बाहर से आके घुस जाए आउट ऑफ द इंडस्ट्री और आपके कोई खास चीज़... मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया बट आई वॉज लकी टू मेक वेरी गुड फ्रेंड्स हु लव्ड मी हु मी उसमें हुई शुजात है उमर सईद मोहसिन सईद जिन्होंने मुझे जैसी मैं थी उसको पसंद किया उसे रिलेट किया और खुदा की कसम बहुत लोग सिर्फ अच्छी अंग्रेज़ी की वजह से आगे निकल गए जो डिज़र्व भी नहीं करते थे मैं तो इस कॉम्प्लेक्स में बोलती भी नहीं थी कई दफ़ा मुझे कि हाय गलत अंग्रेज़ी बोल दी तो बड़ी बेइज्जती होगी तो मैं तो चुप करके बस सुनती रहती थी कई जगह मैं वोकल ही नहीं हो सकी

कौन जा रहा है उसमें इंडस्ट्री जा रही है को टिक्का लग है इंडस्ट्री से हम भी वही इंसान है तो आप जाया करती थी या जाती हैं रेस वगैरह पे नॉट माए um, मैं गजल टाइप इंसान हूँ मैं um, दूरदर्शन में जवान हुई हुई हूँ मैंने वो फिल्में देख के मैं बड़ी हुई हूँ मैं लता जी को सुन के बड़ी हुई हुई हूँ तो मेरी सेंसिबिलिटीज और मेरा टेस्ट वो है शायरी का शौक है आप मेरी अम्मी के बेस्ट फ्रेंड्स में से बहुत लोग शायर थे और मेरी अम्मी सिंगल औरत थी बाईस साल की उम्र से उसने काम किया हमारे घर में मैदी हसन साहब भी आते थे मुस्तफ़ा जैदी से भी मेरी अम्मी की दोस्ती थी तो मैंने एक शायराना माहौल अपने घर में देखा फिर मैं बाजी इश्क मजाज भी बहुत थी बचपन से बाजी को इश्क भी बहुत जल्दी हो जाता था तो, तो इश्क में भी बहुत शायरी पड़ी आ, फराज भी पढ़ा गालिब भी पढ़ा फैज़ साहब भी पढ़े मुस्तफ़ी जैदी साहब पढ़ा अहमद फराज़ साहब पढ़े प्रवीन शाखिर साहिबा पढ़ी बाकी जो बड़े बड़े शहरा थे जो परशियन और उर्दू मैंन मैंने समझ नहीं बहुत ही आती सी इकबाल मैंने तशरी के साथ पढ़ा था क्योंकि मुझे नहीं आती भाई समझ में मैं, मैं पेंडूजा बंदा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੇ ਪੜਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਚਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੱਚਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਥੈਟ ਇਸ ਕੋ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਐਟ ਲੀਸਟ ਹਮਾਰੇ ਉਰਦੂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਪੇ ਉਰਦੂ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੇ हमें बड़े कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं सिर्फ मुझे थोड़ी दिया सब कॉमों को दिया पठान को भी दिया पठान दिखाएंगे तो वो चौकीदारी होगा और वो हसाई रहा होगा आपको वो बेवकूफ़ी होगा सराय की टग होगा सिंधी अगर होगा तो वो चोर डाकू वडेरा होगा और बलोचिस्तान को तो जिक्र ही नहीं है तो ही नहीं उतरे रो रहे मर रहे अल्लाह साड़ी सुन लो ना 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 और फिर पंजाबी ने आ, बड़ा सुबह होने की वजह से फिर थोड़ी सी सुप्रेमसी हासिल कर ली फिर भी अपनी जगह थोड़ी बना ली कमर्शियल पंजाबी सिनेमा जो आया हालांकि बहुत वर्स्ट तरीके से आया घंटासा कल्चर लेके आया एटीज़ में ज्याल के जो आ, रमेंस थे वो हमारी इंडस्ट्री में आर्ट की सूरत में जो आई आ, और अच्छा काम भी बीच में हुआ ही रंझा जैसी हसीन फिल्में भी बनी इवन मजाजन जैसी फिल्में भी बनी आ, मुझे डाकू रानी भी बड़ी पसंद आई थी उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती थी लेकिन अब आप देखें ना दुनिया में पंजाबी ने अपना म्यूजिक मनवा लिया चाहे इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो मनवा लिया है ना लेकिन यहाँ अभी भी पेंडू हो तो अभी भी पेंडू अच्छा आपने अपने बचपन का जिक्र किया कि आपका दिल बड़ी जल्दी आ जाया करता था दिल बड़ी जल्दी लग जाया करता था तो कितने हुए थे? जितनी सोच में आप पड़ी हैं, मुझे लग रहा है ठीक ठाक। काउंटलेस ही होंगे दो तीन हुए थे सिर्फ दो तीन हाँ फिर मैंने फसा लिया था उमर को <laughs> <laughs> अच्छा जब दिल टूटता था तो किस... ना, तो कैसे डील करती थी हाय रो रो के तूफान तो उठा लेकिन अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए ना अब अम्मी से तो छुपाना हाँ, है बिल्कुल तो कोई सहेलियों के गले लग लग के रो के दुखी गाने सुन सुन के शायरिया करके कर डायरिया लिख लिख के तो सहेलियों का क्या रिस्पॉन्स होता था हाय कंसोलिंग ही करती हाँ, थी, हाँ, थी हाँ, तो डाटे अपने दिल टूटे हुए होते थे अच्छा यानी दो दिल टूटे हुए लोग मिल और बैठ के कुछ शायरी सुनने गाने जाएगा महीने तीन महीने के बाद मूव मूव फॉरवर्ड अब दोस्त बनाती हैं किस किस्म के दोस्त हैं पुराने दोस्तों के साथ ही दोस्ती हैं यार बस दोस्ती वही होती है जो रह जाए बड़े लोग आए जिंदगी में बड़े लोग गए लेकिन जो पांच-छह टिप्स पे रह गए हैं ना वो आज तक मेरे साथ हैं अच्छा लोग सिखा के जाते हैं जो आपकी लाइफ से अगर निकल आप सीखना चाहो तो मैं सीखना चाहती हूँ और मुझे मैं कहती हूँ एज अ पर्सन एज अ पर्सन अगर मेरे में कोई खूबी है ना वैसे मुझे नहीं पता है या नहीं है लेकिन मैं मुझे सबसे बड़ी जो खूबी अपनी लगती है अगेन अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मैं लोगों को क्रेडिट देने से कभी नहीं घबराई बहुत खूबसूरत बात कभी नहीं घबराई मैंने हर एक को उसका ड्यू क्रेडिट दिया है कि यार ये मैंने तुझसे सीखा था यार ये मैंने तुझसे सीखा था आज तक उन्हें यह कहती हूँ कोई ट्वीट मुझे अच्छी लगे कोई बात मुझे अच्छी लगे मैं रिट्वीट करती हूँ मुझे नहीं होता कि उसकी बात मैं क्यों रिट्वीट करूँ उसने मेरी तो नहीं की यार मुझे अच्छी लग रही है बड़ी बा... अला तो नेता है।, अच्छा, है फिर सोशल मीडिया पर अगर आपको किसी की बात अच्छी लगे खूबसूरत लगे आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिट्वीट कर रहे हैं तो उस पर बैकलैश आता है लोगों का अगर कोई किसी आपके ओपिनियन से डिफरेंस रखता हो आपने मेरे पे रिसर्च नहीं की अभी मैंने की है लेकिन वो किस किस्म का आता है मैं ये पूछना चाह रहा था रंडी, आगे इस... गश्ती आगे भी बोलूं कि चुप कर जाओ इतना ही बहुत बेहतर है लेकिन आपको लगता है कि तरबियत की भी जरूरत है लोगों को यार ये सब पढ़े लिखे लोग हैं मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तरबियत तो और कंज करनी है कैंज करनी है कहते थे तालीम क्योंकि ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तो वही लोग हैं ना जो रिलेटिवली पढ़े लिखे बिल्कुल मैंने बड़ा कुछ अपनी लाइफ के पूरे सफर में देखा भी अपने सामने होते हुए क्या कुछ लेकिन मैंने इतनी नफरत इतना जवाल अपने जैसे कहते हैं ना रिग्रेसिवनेस की अरूज जो है हुँ. वो इमरान खान की सूरत में देखा हुँ. ये मेरा ओपिनियन है मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मैं मुझे जो पर्सनल मुझे लगा है वो ये लगा अच्छा अगर इफ़त उमर साहिबा की बात की जाए उनकी ओपिनियन में अगर को आपको लगता है कि यार इतनी रिग्रेसिवनेस हो गई है, इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है अगर इससे यू नो एक साजगार एक अच्छा एक खुशगवार सा माहौल बनाना है कैसे बनाया जा सकता है मुल्क में फौज को निकाल के फौज को और वो किस तरह होगा फौज तो कहती है कि वो तो यू नो मुल्क की सिक्योरिटी संभालती है और फौज है तो मुल्क है ये कहा जाता है यार बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी करने के लिए होती है ना फौज लेकिन फौज ने कहा नहीं मैं अंदर भी तुझे ऐसी ऐसी मुश्किल दूंगा मैं मुजाहिद बनाऊंगा मैं एक्सट्रीमिज्म करूंगा मुझे तो हर जगह तुम्हारी हिफाजत करनी है पुलिस चाहे भाड़ में ना दो उसको लेटेस्ट उसको ना एक करो ना पावरफुल बनाओ फौजी करेगा मैं ही मसीहा हूँ यू ब्लड अच्छा तो फौज का सियासत में किरदार है तो सिर्फ सवाल चाहिए <laughs> इतनी बड़ी आ, मानी खेज आपकी स्माइल सामने आई है तो आई थॉट कुछ बहुत अच्छी बात ही कोई ऐसा कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सुनने को मिलेगा थोड़ा यूनिक हमारी आइडियोलॉजी ही फौज ने बनाई है आइडियोलॉजी के पीछे लगे मुझे सेक्युलर पाकिस्तान चाहिए मेरा ये ख्वाब है बाकी मुझे गोलियाँ दे दो मुझे मार दो डिफरेंस ओपिनियन की वजह से आई डोंट केयर मैं वो बोलूँगी जो मुझे ठीक लगता है अच्छा आप बहुत वोकर हैं और इंसान को होना चाहिए हमेशा हाँ हमेशा, हमेशा होना चाहिए हमेशा। ठीक है फेयरलेस होना चाहिए इंसान को तो इलेक्शंस uh, भी करीब हैं तो एम पी ए या एम एल ए बनने की ट्राई कर रही है। हैं हैं सोच रहे जाहिल आप पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स बड़ा आला काम है बड़े बड़ा दिमाग बैठा हुआ है पार्लियामेंट में आई एम सॉरी आई एम नॉट एजुकेटेड अनाफ और एक्सपीरियंस अनाफ और

अच्छा आज तक इतने सियासतदान आए इतने लीडर्स आए उमर का पर्सनल फेवरेट कौन सा है जिससे इफ़त उमर साहिबा को लगाओ कि यार आ, ये जो बंदा है ना ये वाकई लीडर था ये लीडर है आई एडमायर नवाज शरीफ आल्सो, क्योंकि जितना पंगा फौज से इस मुल्क में लिया जा सकता है ना, बेचारे ने लिया और uh, फिर जो उसके साथ हुआ है तो मैं अच्छी बातें लोगों की ज़्यादा नोट करती हूँ उनके बुरे कामों से ज़रा सा कुछ अच्छा कोई कर देना तो मैं उसको स... गिव द डेवल हिज ड्यू साथ सलाम करती हूँ जमहूरीत के बाद बात मौलाना रहमान भी जब करता है तो मैं उसको भी साथ सलाम कर देती हूँ हालांकि आई एम अस्ट उनका नज़रिया उनका नैरेटिव मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान में <coughs> हमारी बदकिस्मती तो देखो यार <coughs> आज तक कोई रिलीजियस पावर मुल्क पे नहीं आई वोट के जरिए हमने वोट नहीं दिया इसको हमने वोट नहीं दिया रिलीजियल लेकिन वो ही बैठ के प्रेशराइज करके पार्लियामेंट में औरतों के हकूक की बात हो उस उसपे बोलते हैं ट्रांसजेंडर के हकूक की बात हो उस उसपे बोलते हैं ब्लास्टूमी की बात हो उस उसपे बोलते हैं और हमारे सियासतदान मान जाते हैं ये है नवाज शरीफ की अपने बातें की नवाज शरीफ का जिक्र किया कहा कि जो भी बड़े भी गिले हैं मुझे उनसे भी लेकिन किस मैं उनसे सवाल है? कर सकती हूँ किस किस्म के गिले हैं हमारी जो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किए हैं जो राइट का उन्होंने साथ दिया है इवन बेनजीर को बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़े जिन पार्टीज ने जिस मूवमेंट ने भुट्टो को मरवाया वो रिलीजस पार्टीज थी ठीक है निकलवाया जिन्होंने उनके साथ बैठ के बेनजीर को भी बात करनी पड़ी नुसरत भुट्टो को भी बात करनी पड़ी हम बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा रास्ता लेके थोड़ा थोड़ा करके यहां तक आए लेकिन अब मैं मरने वाली हूँ तो मैं खुल के बात कर रही हूँ कि बस कर दो अच्छा आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुल के ओपनली पंगा लिया फौज के साथ खुल के कहां लिया बेचारे ने बस यही कहा वोट को इज्जत दो लेकिन पंगा तो ओपनलीक्स में पंगा लिया था पंगा लिया था और उसके बाद फिर क्या हुआ देख लो उस दाल की हुई लगता है कि कोई बात पैनामा से शुरू हुई थी जिसमें उनका नाम भी नहीं था खत्म हुई उस तनखा पे जो शायद वो ले सकते थे जो कि उन्होंने ली नहीं पर लगर ले सकते थे और उन्होंने उसको नहीं डिक्लेयर किया तो निकलो तुम तो, तो जा तो उनको आना चाहिए वापस उनको वैसे आना चाहिए पाकिस, पाकिस्तान इस, या कब आएंगे इस जुनूनियत के माहौल में जहाँ पे हॉस्पिटल में भी आपको नहीं पता कि आपको जहर दिया जा रहा है या क्या दिया जा रहा है मेरे ख्याल से तो नहीं आता चाहिए अभी अच्छा। जब तक ही इज नॉट हंड्रेड परसेंट सेफ तो पंगा लेने की आपने बात की आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने पंगा लिया पंगा तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने है उन्हों वाकई पंगा क्या लिया।, लिया वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है और यू you नो know, जो रिफ्ट क्रिएट हुई थी थी उनके दरमियान और सबक जो आर्मी चीफ थे उनके दरमियान पंगा तो इन्होंने भी लिया था। क्यों हो गया पंगा उनका आर्मी चीफ से ये तो आप ही बताया ना आप भी तो देखते मैं तो मैंने जो देखा है मुझे नजर आया मैंने बता दिया कि उन्होंने पंगा लिया लेकिन आप मुझसे तो उनको पर्सनल पंगे पे प्रॉब्लम है ना ये तो नहीं कह रहे बैरिक्स में जाओ पर्सनल पंगा मतलब के मेरे खिलाफ साजिश की मुझे कंट्रोल किया हालांकि साढ़े तीन साल बैठे रहे पहले दिन बोले नहीं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना, ना ना ना, जब तक चलता रहा चलता रहा अच्छा आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट चल रही थी लास्ट ईयर मार्च तक अभी जो करंट गवर्नमेंट आई है पीडीएम की इन्होंने की ना कहीं इमरान खान की सियासत को जिंदा कर दी है अगर वही एक डेढ़ साल गुजरवा देते तो शायद जितने पॉपुलर इमरान खान साहब आज हुए हुए हैं इतने ना होते मे बी मे बी आप सही कह रहे हो इट वॉज अ रॉन्ग मूव लेकिन एटलीस्ट इट वॉज़ अ डेमोक्रेटिक मूव चाहे पीछे क्या था क्या नहीं था लेकिन ये नहीं था कि और मसीहा मेरे हम वत ये नहीं था ठीक है Word of no confidence एक तरीका है उससे निकले तो चले जाते हैं पार्लियामेंट में as a voice of opposition यार मिलके नहीं। बैठते नहीं। नहीं। बनाते कि आइंदा ऐसा हो ना सके नहीं, मेरे उस... लिए कर रहे हो तो प्रॉब्लम है अपने पॉडकास्ट में रैपिड फायर होगा मैं एक शख्सियत का नाम लूंगा आपने बताना है या एक लफ्ज़ में जवाब देना है इमरान खान पॉपुलिस्ट और इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लेते हैं आ, सबसे अच्छा ड्रामा एक्टर कौन है oh, But my अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन भी देता हूँ हमायू सईद फहद मुस्तफ़ा फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। फवाद खान फवाद मुझे बड़ा अच्छा लगता क्रश है हाय मेरे बच्चों की तरह है क्रश कैसे हो पर मुझे बड़ा अच्छा लगी और कभी फ्यूचर में हम आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में देख सकते हैं फिल्म या ड्रामा नहीं ही टू बिग आई एम टू स्मॉल टू बी पार्ट ऑफ हिज फिल्म ऐसे कैसे कह सकती हैं इफ उमर इज आल्सो अ लार्जर देन लाइफ मैं, मैं, मैं कहते मैं बहुत रियलिस्टिक इंसान हूं हमेशा से मेरे ख्याल तो, से आपको इतना अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने आप को

सब ने मनवाया अपने आपको दुनिया में मनवा रही हैं आइकॉन्स हैं आई एम लविंग देम आई एम लविंग देम अच्छा आपने हमारे पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपने ये कहा था कि आप तो फेमिनिस्ट थीं जब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो आने मुझे आपका पता चला मैं थी पहले मुझे नहीं पता था ये कुछ होता है अच्छा हाँ आपको अनअवेयर रखा गया अनअवेयर नहीं रखा गया मुझे पता ही नहीं से क्या होता है

दबाया जाता है उन आवाज़ों को सपोर्ट करती हूँ वो अकलीत की आवाज़ हो वो बलोचिस्तान की आवाज़ हो मंजूर पश्तीन की आवाज़ हो वो आ, अली वज़ीर की आवाज़ हो वो मोसंदावड़ की आवाज़ हो मैं सबको सपोर्ट करती हूँ और मेरे से जो बन पाता है मैं करती हूँ अच्छा लिबरलिज्म का आपने जिक्र किया कि लिबरल होना चाहिए सबको तो यार मुझे तो ये भी नहीं पता लिबरल क्या है क्योंकि अलीट जो एंजॉय करती है आप उसको लिबरलिज्म कहते हैं आ, किस लिबरलिज्म है क्या मतलब कि आपने इनफरादियत अपने हक अपनी मर्जी मैं इसको लिबरलिज्म कहती हूं एक वाकया था शाहरुख खान साहब के साथ थोड़ा उस पे रशिंग डाल कि वो क्या वाक्या था क्या कोई वाक्या नहीं था मेरे एक दोस्त ने उससे कहा मेरी वीडियो बना दो क्योंकि मैं उसकी फैन हूं उसने भेज दिया तो जिंदगी में शाहरुख खान ने दो सेकंड मेरे पे सर्व किए हैं अपनी लाइफ में से जिसमें वो मेरी वीडियो मेरा नाम लेके बनाई उन्होंने एंड आई लव इट और शाहरुख खान की 4 साल बाद एक मूवी है पठान मैं देखी कहां देखती लगी नहीं है कोई मुल्क से बाहर जाने का प्लान जाके देखें क्योंकि उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यार अपनी बेटी तो की ग्रेजुएशन पे जा रही हूं अभी अमेरिका सो लेट्स सी अगर लगी भी तो जरूर देखूंगी मैं तो शाहरुख खान पसंद ही बड़ा है। वैसे आ जाएगी ऑनलाइन हम्म वो नॉट अल्ससाइड <laughs> तो शाहरुख खान के साथ कभी इhtiyaj हुआ आ, आ, फिल्म करने का कभी सोचा मेरी औकात ख्वाब ऐसे नहीं ख्वाब देखे कभी नहीं वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखने चाहिए ख्वाब उसकी ताबीर होती है पता नहीं मैंने शाहरुख खान के साथ क्या क्या, क्या किया हुआ ख्याल में वो तो तुम रहने ही दो क्या क्या किया हाँ छोड़ो वो मेरे ख्याल है तुम्हें क्या <laughs> लेकिन शेयर तो कर देना ही चाहिए मुझे तो ख्वाबों में आता था फिर मेरी एक और फ्रेंड के खाब में आ गया तो मैं डिप्रेस हो गई मैंने कहा ही कान डू दिस टू मी ही कान टू टाइम ऑन मी मेरे खाब से तेरे खाब में भी आ गया शाहरुख खान बेवफा, बेवफा, बेवफा हो गया।, गया अच्छा जी आज की सेंचुरी के बारे में अगर बात की जाए तो ये 21वीं सदी यूथ की सेंचुरी है तो आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो कहाँ खड़ी है यार मेरी जनरेशन जो है ना फ्रॉम नो टेक्नोलॉजी नो टेलीविजन नो फोन टिल डे जबकि अब आर्टिफिशल uh, इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी हुई है फ्रॉम नथिंग टू दैट देखा है हमारे दिमागों में तो इनफ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेन हमें पागल किया हुआ है हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या देखें क्या ना देखें हमें डील करना भी नहीं आ रहा जो चीज़ें तुम लोगों के लिए सरप्राइज नहीं है हमारे लिए वो एक जैसे कहते हैं ना जादूगरी थी मैं आप यकीन करो कि मैं वो इंसान थी जो टेलीविजन जब शुरू होता था ना टा 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 से लेके रात को कौमी तराने तक उसमें तालीम बालगा का प्रोग्राम भी देखा हुआ खबरें भी सुनती थी हमारी फैंटिस ही अलिफ लैला ने मुझे पागल हम सच दिल बाहर होते थे कि आज एक्साइटमेंट का एक आलम होता था अब हम हैरी पॉटर तक पहुंच चुके हुए हैं लेकिन हम वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं यार हमने दुनिया को कहां से कहां जाते हुए देखा है अच्छा जब भी लिबरलिज्म की बात होती है मैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ वापस आऊंगा तो कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट बनाने की

सऊदी अरब में औरतें आराम से चार शादियां करने देती हैं ना उनको कोई मसला ही नहीं होता उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है हम इस माहौल में औरत की जान निकल जाती है मेरी निकल जाती है। करके देते बखा मैंने कितने और नाल शादी करके क्योंकि हमारे कल्चर में यही है क्योंकि हम इंड सिविलाइजेशन के कल्चर से आ रहे जहाँ पे एक जमाने में पिदर शहीन निजाम भी नहीं था डांसिंग गर्ल इज़ आर हिस्ट्री नहीं हमने वो हिस्ट्री लेनी है क्योंकि मुझे वो पसंद है उमर अम्मा कैसी हैं

बड़ा सूबा नहीं है लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है एज़ कम्पेयर टू बलोचिस्तान जो कि जोग्राफिकली बहुत बड़ा सूबा है क्योस क्रिएट हुआ हुआ है हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है परेशानी है हर बंदे के चेहरे पर आपको नजर आएगी महंगाई बढ़ती जा रही है किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं मुल्क को इस्पेक्टिव ऑफ एफिलेशन फ्राम ऑल दोलिटिकल पार्टीज सिर्फ एज ए पाकिस्तानी है भाई अगर लोगों का मंशूर पढ़ के, पहले तो डिसाइड करो मुल्क को किस के जाना है अभी ये कन्फ्यूजन ही नहीं ख़त्म हो रही जो पब्लिक डिमांड करती है हमारा पॉलिटिशन फॉर गैलरी वोट्स उनका बयानियाँ बोलना शुरू कर देता मतलब पीपल्स पार्टी का बयानिया एक सोशलिस्ट बयानिया था एक लिबरल पाकिस्तान एक सेक्युलर बयानिया था लेकिन उन्होंने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए नवाज़ शरीफ हमेशा से राइट की पार्टी रहे लेकिन उन्होंने ही फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया तो जब तक तो डेमोक्रेसी जो कि सिस्टम हमें दिया गया है जो कि अभी तक दुनिया में यही एक सिस्टम है हालांकि लोग इस पर भी बहस कर रहे हैं कैपिटलिज्म पे भी बहस कर रहे हैं सारी बहसें हो रही हैं दुनिया में लेकिन हमारी बहस अभी यहीं पे फंसी हुई के करना की सोचा ही नहीं क्या करना है भाई कोई एग्जांपल ले लो तरक्की पसंद मुल्क की उस तरह दे होना दी कोशिश करो थोड़ा सा खाका पेश करेंगी कि किस किस्म का हमारा मुल्क होना चाहिए यार किस तरफ जाना चाहिए जस्ट एक स्केच पेश करना है आपके ओपिनियन में यार मतलब के हमने कॉन्सर्ट्स देखे हुए हैं हमने सड़कों पे लोगों को गाते हुए सुना हुआ है हमने शायरियाँ लोगों को थड़ों पे बैठते करते हुए देखा है हमने हर किस्म हर सिविलाइजेशन की जो हमत है वो सुनी हुई है और मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाकी कामों से जिसमें पठान है जिसमें सिंधी है जिसमें बलोच भी है क्योंकि हर जगह अंदरून जाके मैंने काम किया पर मैंने बहुत लिबरल लोग देखे मैंने कम लिबरल लोग पंजाब में देखे मैंने उन सोसाइटीज में ज्यादा लिबरल लोग देखे साइड ओ यस ओ यस एक आम सिंधी को मैंने ज़्यादा लिबरल पाया एक आम पठान को मैंने ज़्यादा लिबरल पाया मैंने बलोचिस्तान को ज़्यादा लिबरल पाया लेकिन जो शक्ल उनकी पोट्रे की है रियासत ने थ्रू उर्दू डोमिनेटेड मीडिया वो स्टीडियो चल रहा है अच्छा हमने नून की बात कर ली हमने तहरीक इंसाफ की बात कर ली हमने जे की बात कर ली अगर हमने बात नहीं की तो हमने पीपल्स पार्टी की बात नहीं की मेहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की साहिबा की यार कितने साल मिले उन्हें तीन साल तीन साल में उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया जी सारा पैसा उठा के बाहर ले गए सात करोड़ के फ्लैट से यार नवाज शरीफ के उसका बाप एक बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट था सात करोड़ पे उस पर आपने इल्जाम लगा के पागल कर दिया उसको ओ भाई अल्लाह ने सब कुछ इमरान खान को नहीं दिया हुआ अल्लाह ने सबको बड़ा कुछ दिया हुआ वो फिर भी इस मुल्क में आके कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे हक दो आवाम को हक दो कि मैं वोट ना दे के निकालूं। मुझे अनडॉक्ट्रिन मत करो झूठों पे जब तक कोर्ट में नहीं साबित होता कि वो चोर डाकू हैं चाहे वो चलाकी से होता है जो भी होता है चुप करके बैठ जाओ चोर डाकू हमें भी पता है कौन कौन है और इमरान खान प्लेस ऑफ प्रिविलेज सारी जिंदगी स्टार्डम तूने एंजॉय किया है इंग्लैंड तो इसलिए नहीं रहता कि तुझे वहां वो लाइफ ही नहीं मिलनी जो तुझे यहाँ मिलनी है तुम्हें किस बात की कमी है, है? इतने एंजॉय द लाइफ ले रहे हो तुम यहां पर और हमें कह रहे हो मैं कुर्बानी दे रहा हूं। क्या आप बात कर रहे हो अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपने ये कहा कि फौज को तुम तो मुझसे बोर नहीं हुए नहीं नहीं मैं बोर नहीं <laughs> मुझे तो इतना मजा आ रहा है मेरा दिल चाह रहा है कि ना तो व्यूज लेने होते हैं हर चीज पे आपने ये कहा कि, यार, फौज को चाहिए कि अपनी डोमेन में रह के अपनी जिम्मेदारियों क्योंकि रूल तो यही है लॉ तो यही है ना तो लगता है कि इजिली हो जाएगा ना बड़ा मजा आता अगर इमरान खान पीपल्स पार्टी और आ, आ, नून लीग कम से कम ये डिसाइड करते यार डिफरेंसेस हमारे अपनी जगह चल फौज को तो निकाले मिल के अच्छा यहाँ पे एक और सवाल मेरा ये है अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठ जाए ठीक है इस मुल्क को किस सिम्स लेके जाना है हमारे फॉरेन पॉलिसी किस पे रहेगी इंसान दोस्त होगी या दुश्मनी पे होगी ठीक है अगर अपने चार्टर साइन कर लें कि यार ये है ये नॉन निगोशियबल है तो, तो मजा ना आ जाए मजा आ जाएगा आ, लेकिन सोचा जा सकता है क्या ऐसा डूएबल होता हुआ नजर आ रहा है इन द फ्यूचर इमरान खान तो मैं तालिबान के साथ बैठूंगा लेकिन इनके साथ नहीं बैठूंगा यार वो हमें से ही है तेरे अपने लोग हैं उन्हीं ने तुझे इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टार बनाया हुआ है लेकिन पीपल्स पार्टी है या यू नो अपोजिशन जो अब करंट गवर्नमेंट में लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब भी एक प्लॉय रह चुके हैं आर्मी का आने वाले वक्त में तो क्या आर्मी के अंदर से ही कुछ लोग हैं जो उनको आ, बैठने में मजबूर कर नहीं, नहीं अना का मसला ही है अना का ज्यादा मसला है इमरान खान बहुत माओपिक सोच मुझे लगता है इज अ वेरी पर्सन कम नेचुरली कम्स टू हिम बिकॉज़ उसने भी बचपन से वो देखा है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता hmm. मतलब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने उनसे बड़ा स्टार प्रोड्यूस किया मेरा नहीं ख्याल मैडम नूजहान में भी hmm. इस स्टार्डम पे कोई नहीं म्यूजिक में पहुंच गए लेकिन इनका कुछ और ही जादू था लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया आपको लगता है कि सोशल मीडिया को आ, देखें हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गैर शायस्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें इसकी क्लासिक एग्जाम्पल आपके साथ भी लोग करते हैं हर इंसान के साथ करते हैं जो थोड़ा वोकल होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इसको कंट्रोल करने के लिए या फिल्टर करने की ज़रूरत है या हुकूमत को भी Uh, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है इस चीज़ को कम करने के that's लिए मिस इंफॉर्मेशन uh, के फैलाव को कम नाउ अभी तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत नई जिद्दत है जिससे हम सब गुजर रहे हैं और इसको टाइम लगेगा मे बी इसके रूल्स बनने में यार ये किस तरह इवॉल्व होती है क्योंकि अभी तो नई सी नई चीजें आ रही है यार अब तो एल चार्ट जी क्या उसको जी पी टी आ गया यार मैंने उसने कहा राइट एन एस ऑन मी उसने कोई मेरे पे लिखा

लेज़र टाइम को आप कैसे इंजॉय करती हैं आई आए मसप मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती मैं आ, सिर्फ सीखना चाहती हूँ मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ और मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड गूगल के तौर पे मिल चुका है मैं एक क्वेश्चनिंग माइंड हूँ मैंने सारी जिंदगी लोगों से कुछ बात समझ नहीं आई तो पूछा है मैं समझाओ। मैंने समझाओ मैंने एक्ट नहीं किया आई ऑल्सो नो

इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिवनेस पे पहुंची हुई हूँ उसकी डिबेट uh, सुन रही हूँ नेटिव uh, की पूरी दुनिया नेटिव पे बात कर रहा है उसकी डिबेट सुन रही हूँ uh, uh, बड़े बड़े फिलोसोफर्स के लेक्चर सुन रही हूँ और uh, दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू जान रही हूँ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है खाने पीने में क्या पसंद है मैं कोई इतने खाने की शौकीन नहीं हूँ लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं सबा कहती हैं सबा अगेन इज वन ऑफ माई टीचर्स जिन्होंने मुझे इस फील्ड में सबा हमीद hmm. आ, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया बहुत सारी चीज़ों में और मैंने कहा मैं जिससे सीखती हूँ मैं उसको उसका क्रेडिट देती हूँ तो आ, वो कहती है मेरे बारे में फिर तेरे खाने से बड़े नखरे ने मुझे जराकेश यार इसमें अगर ये डला होता तो और मजे का होता बिकॉज आई एम गुड कुक माई सेल्फ

कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें कभी आई हैव बीन थ्रू अ मेजर फेज ऑफ डिप्रेशन मेजर फेज ऑफ डिप्रेशन यस लोगों ने टैबू बनाया होता है मेंटल हेल्थ के बारे में नोबडी टॉक अबाउट इट दे आर अफ्रेड ऑफ इट मैंने एक जगह ये स्टेटमेंट दी कि यार मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गई हूं मैंने अपनी थेरेपी की दुनिया ने ये भी मेरे अगेंस्ट यूज किया ए तो पागल है ए तो पागल ए तो पागल लोगों ने पागल केने शो कोर्ट में आपको पता है वो जो कोर्ट में केस चल रहा है हरासमेंट का तो और तो उनके पास कुछ नहीं था मेरा खिलाफ बोलने का क्योंकि आई वा आई एम अ कैरेक्टर विटनेस बिकॉज़ आई नो बोथ द किड्स फ्रॉम बचपन तो मैंने जो बिलीव किया मैं उसके साथ खड़ी हुई सिर्फ मेरा यह था लेकिन मुझे इन्वॉल्व किया गया मेरे पे क्रिमिनल केस किया गया और मेरे पे जो जरा हुई वो मेरे कैरेक्टर के बारे में हुई कि आप तो डिप्रेशन की मरीजा भी हैं आपने तो एक दफ़ा ये भी कह दिया था कि मैं तो ठरक झाड़ती थी राहत का आजमी पे बोंगी बज गई थी मैंने उनको मिल गया मवाद उन्होंने वो भी यूज़ किया सो बड़ा कुछ फाइट किया यार और कर रही लाइफ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं? देखो इस निजाम में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें कामयाबी के जो स्टैंडर्ड हैं, वो भी बड़े कॉम्प्लेक्सड है वो किस तरह से कामयाब इंसान वो ही होता है जो कि अमीर इंसान होता है यानी कामयाबी को लेबल कर दिया गया है अमीरियत के साथ आई एम आई एम ये हुई है सोशलिज्म की कोई बात करता है मुझे समझ नहीं आती hmm. क्योंकि मैं इंडिविजुअलिटी पे बहुत बिलीव करती की जुबान आपको समझ आती है सीखी है दुनिया इसमें हुई है hmm. इसी में इवॉल्व हुई है आप हिस्ट्री पढ़ के देखें फर्स्ट सेंचुरी से पढ़ के देखें नाकामी को फेलियर को कैसे देखती हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट मेरे से बोंगी बज गई है एक्सेप्ट और किस किस्म के फेलियर ऐसे आपने देखे हैं एक्सपीरियंस करने के बाद आप कामयाबी की तरफ गई मतलब तो कैसे डील कैसे किया फेलियर से उनसे मुझे नहीं मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ लेकिन मैं खुश हूँ और मैं कंटेंट हूँ बस और किस किस्म के आपने फेस की आज मुझे नहीं मुझे कोई नहीं हुए किसी ने फ्लाह वजह से छोड़ दिया बन आज नाम है आपका तो फील होता है कि यार, वो बंदा पछता रहा होगा फलां जिसने हार्ट ब्रेक किया नहीं उसने छोड़ा इसलिए था कि मैं सुपर मॉडल हूँ अच्छा इस वजह से छोड़ा यानी चार नहीं मानेंगी अम्मी नहीं मानेंगी कि लड़की मॉडलिंग करती है

थैंक यू सो मच इफ़त साहिबा फॉर ऑन पाकिस्तान बहुत मज़ा आया आपके साथ आई रियली होप सो एंड हमारी expectations, आप जैसे बच्चों से है अब आपने संभालना है आपने इस मुल्क को रोशन ख्याल बनाना है प्रोग्रेसिव बनाना है या डेढ़ की मस्जिद बनाना है या आप लोगों को पे थैंक यू सो मच हमारे साथ इफ़त साहिबा मौजूद थी इफ़त उमर साहिबा बहुत मज़ेदार और खूबसूरत गुफ्तगू उनके साथ हुई आपसे मुलाकात होगी इनशा नेक्स्ट पॉडकास्ट में अल्लाह पता नहीं मैंने क्या बकवास की है आपने बहुत अच्छा अच्छे हाँ मुझे कुछ पता नहीं है